अर्जुन नगर बारह खंबा निवासी एक परिवार के दो बच्चे एक साथ सब इंस्पेक्टर बनकर घर पहुंचे तो उस मजदूर पिता की खुशी देखते ही बनती थी। दोनों भाई बहनों ने एक साथ ट्रेनिंग पूरी की और घर पहुंचे तो पिता की आंखों से आंसू झलक गए। इस बात को लेकर डीजी महाराजा न्यूज की टीम से मुलाकात कर अपने विचार साझा किए, देखते हैं खास रिपोर्ट। कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, ये कहावत उन दो मजदूर के बच्चों ने साबित कर दी जिनके पिता ने मजदूरी कर उन्हें पढ़ाया और आज वो बच्चे दोनों बहन भाई एक साथ सब इंस्पेक्टर बनकर। जब ये दोनों बच्चे घर पहुंचे तो घर वाले और आसपास के लोग और रिश्तेदार उन्हें बधाई देने पहुंचे हैं। आज इनसे बात करेंगे कि किस तरह संघर्षों के साथ इन्होंने पढ़ाई की और आज इस मुकाम पर पहुँचे कि उनका परिवार और आसपास और पूरा शहर उनके ऊपर गर्व कर रहा है। बात करते हैं, ये SI बनकर आई हैं और इनके भाई भी साथ बनकर आए हैं, तो पूछते हैं क्या नाम है? सिमरन कमलेश। आप कहाँ तक पढ़ाई की आपने, किस तरह कहाँ ट्रेनिंग हुई आपकी? मेरी ट्रेनिंग हुई थी मेरठ PTS और पढ़ाई मेरा आगरा कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने SS से किया है, मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन हो रखा है। अब कहाँ पोस्टिंग मिली आपको? मुझे सहारनपुर गंगो में पोस्टिंग मिली है। बताया जाता है कि आपके पिताजी ने बड़े संघर्षों से आपको पढ़ाया है। हाँ, बहुत लाइफ में बहुत संघर्ष किया है तब यहाँ तक आया, और लाइफ में हर चीज़ के लिए संघर्ष होता है, वो तो संघर्ष किया है, बहुत संघर्ष किया है। तो कैसा लग रहा है कि दो भाई बहन? बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। इनका कहना ये है, लेकिन इनके भाई हैं वो आज सुबह ड्यूटी के लिए चले गए हैं, उन्हें लखनऊ पोस्टिंग मिली है और इन्हें मिर्जापुर मिली है। तो बात करते हैं कि पिताजी से कि कैसा लग रहा है उनके दोनों बच्चे जब SI बने हैं, तो उनसे ही बात करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम बलबीर कमलेश है। तो कैसा लग रहा है आपके दो बच्चे? जो आदमी कामयाब हो जाए तो उसकी तो खुशी होती है, क्योंकि हमने मेहनत की, हमने बच्चों को पढ़ाया, बच्चे हमारे कामयाब हो गए तो खुशी तो बहुत हुई। क्या करते थे? मैं करता था टोरेंट पावर में जॉब करता था, मैं एक लाइन मैन हूँ, एक वर्क लेबर के पोस्ट पर काम करता हूँ, और मैं सैलरी भी इतनी नहीं थी, फिर भी बहुत भी परेशानियों का सामना करना पड़ा, पर यह है कि बच्चे कामयाब हो गए तो अब मेरी मेहनत सफल हो गई। अब आपको लग रहा है मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको? मेहनत की तो यह है कि जब तक मेहनत है जब तक तो करते ही रहो, क्योंकि मेहनत हमेशा रंग ही लेके आती है। बहुत गर्व है बच्चों पर। आसपास के लोग क्या कह रहे हैं? आसपास के लोग सब ये धूप वो कर रहे हैं, बहुत तारीफ कर रहे हैं कि आपने इतना अच्छा किया, इतना अच्छा किया, बहुत अच्छा हुआ। मैं तो चाहता हूँ कि बस्ती में इसमें और भी लोग मेरी तरह सोचे तो बच्चे थोड़ा कामयाब होंगे। और भी लोग हैं, इनसे बात करेंगे कि किस तरह का इन्होंने संघर्ष किया और कैसा लग रहा है, कितना गर्व है उन्हें अपने इस क्षेत्र के दो बच्चों पर जिन्होंने एक अच्छी परीक्षा पास करके और इस मुकाम पर पहुंचे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शैलेंद्र मधुकर है। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके DG चैनल को हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देना चाहता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस बच्चे के इन बच्चों के हौसला अफजाई के लिए आपने हमारे निवास पर आए। तो इनके बारे में बताना चाहूँगा, इन बच्चों को मैं बचपन से ही जानता था, इनकी बेसिक जो शुरू की पढ़ाई थी तो मेरे ध्यान में ही मतलब जहाँ तक मैं आता जाता रहता था मैं देखता था। तो ये बहुत ही प्रतिभाशाली बच्चे थे, इन ये जानते थे बचपन से। ये आजकल के बच्चे सोशल मीडिया पर यूट्यूब चैनल रील्स वगैरह ये सब इन चीज़ों से दूर, फैशन से दूर। इनका उद्देश्य सुबह सुबह 4 बजे अकेले दोनों बच्चे, मैंने देखा इनको सुबह 4 बजे लोग घूमते थे, रनिंग करते थे, बहुत कड़ी मेहनत करते थे, और कभी भी रात को 11 बजे 10 बजे ट्यूशन है, कोई परवाह नहीं, दुनिया क्या कह रही है कोई परवाह नहीं, किसी भी तरीके से इन्होंने हर चीज़ को इग्नोर किया और अपने इस मुकाम पर पहुँचे। तो कहना है कि जिस तरह उन्होंने मेहनत की है, बचपन से संघर्षों से जीवन काटा है, लेकिन आज उनकी मेहनत सफल हुई है और जो लोग हैं ये बड़े खुश हैं। का कहना ये है कि अगर और भी लोग और माँ बाप अपने बच्चों को इसी तरह शिक्षा दें तो लोगों की सोच बदलेगी, तो वहीं क्षेत्र का विकास, उनके परिवार का विकास होगा। DG महाराजा न्यूज़ के लिए आशीष पाराशर की रिपोर्ट।